हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। किसी भी मामले में हम स्वयं को शामिल नहीं करते हैं और अपराधी में व्यापक सामाजिक स्तर पर डर नहीं बन पाता। पहली बार दामिनी निर्भया के मामले में सामाजिक रोष प्रकट हुआ, वरना तो ना सोच बदली है और ना ही समाज। अभी भी हालात 70% तक शर्मनाक है। मिर्जापुर जिले के मड़ियान थाना के राजगढ़ चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक किशोरी सिलाई कढ़ाई सेंटर से सिलाई सीख कर घर लौटते वक्त 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैला दी। मामले में कुल 4 आरोपी बताए जा रहे हैं। पीड़ित लड़की ने मीडिया से बात करते हुए जो खुलासा किया है, यदि यह सच है तो एक बार फिर राजगढ़ क्षेत्र में कानून का राज कम और जंगल राज होने का एहसास दिलाने के लिए पर्याप्त आधार कहां जा सकता है। हम अकेले ही थे, हमको पकड़ कर ले गए तो कैसे चिल्ला ही नहीं पाए। 3 घंटे हुआ था हमारा रेप। खुली जगह नहीं, वहीं पर हमें ले गए थे सुनसान जगह पे, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, पेड़ पौधा के सिवा कुछ भी नहीं। वहीं पर हमें ले गए, हमारे संग बहुत बलात्कार किए वो चारों लोग। हमारा हम चाहते हैं कि वो सब जेल में ही बंद रहे, कभी ना निकले जेल में से। वो सबको फांसी भी हो जाए तो भी हमें दिक्कत नहीं, हम यही चाहते हैं। दरअसल अपनी आपबीती बताने के लिए नाबालिग लड़की अपने विधवा माँ के साथ मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँची। पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देश में तत्काल मड़ियान पुलिस हरकत में आई। पीड़िता की मां ने मड़ियान पुलिस को नामजद तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की, जिस पर मड़ियान थाना अध्यक्ष विजय शंकर सिंह ने विभिन्न धाराओं के मुकदमे दर्ज किए हैं और आगे की कार्रवाई जारी कर दी है। जहां एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है, वहीं ऐसी घटनाओं का घटना बहुत ही शर्मनाक है। मिर्जापुर से संदीप सिंह की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।